हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम सुहा, इफ़ यू आर न्यू हेयर। और वैसे भी हमारी 21,000 की फैमिली हो चुकी है, यूट्यूब फैमिली हो चुकी है, तो उसी खुशी में आज के ना मोमोज बनाए। एंड थंबनेल में क्या पहचान ही गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। सो हम बनाने वाले हैं मोमोज, और उसमें कुछ हम तिगड़म नहीं करने वाले हैं, सिंपल। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड पूरा देखना। लेट्स गो। आज मेरा क्या कहते हैं कुकिंग पार्टनर मेरी सिस्टर है, शी इज़ छवि। मैंने अपना काम थोड़ा आसान करने के लिए पहले से ही सब्जियां काट के रख लिया है। ये है कैबेज और इसमें गार्लिक और ये है कैरेट। तब मैंने ये थोड़ा सा गार्लिक चॉप भी कर लिया थोड़ा सॉटे करने के लिए। आटा मैं गूंदू काटू भी मैं आटा भी मैं गूंदू, तो तू क्या करेगी यहाँ? मैं बनाऊंगी ना, बस आटा गूंदेगी तू। चटनी बना ली, चटनी का सामान तैयार है, बस पीस नहीं आया। गाइस घर हो हाँ, मैं बना रहा हूँ। सो पागल है, बारात के लिए मोमोज बना रही है। मैं खाऊंगी ना। गाइस हालत देखो, लगता है कहीं से ये तो खाती होगी। शी ईट्स मोर देन मी। नो यस, पहले इसमें डलेगा, आप खुद बताओ, मैदा। ये सारा मत गुन, बहुत सारा जाएगा। इतनी स्टफिंग बनी ही नहीं तो फिर क्या करेगी? वो डाल बस, बहुत है। हाँ, मुझे तो आटा कम लग रहा है। और डाल दें, इसमें ऑयल डालना है, तो आई एम एडिंग ऑयल। इतना सारा कम है? हाँ बहुत कम है। गर्म पानी डालते हैं नॉर्मल? बस इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना, इसमें ना ऑलिव ऑयल तो ख़त्म। इसके अंदर हम एक ऑयल और ऐड कर लेते हैं, कोई सा दूसरा डाल फ्रिज। ये है क्या कहते हैं इसे, तिल का तेल। तिल का तेल, वाइट तिल का तेल। तिल को क्या कहते हैं? सीड्स, वाइट सीड्स, कुछ भी। ये ज्यादा ये रहा क्यों नहीं हुआ, मेरे को पसंद नहीं है मैसी काम। मैसी ठीक है गाइस, ये आटा गूंद रही है जब तक मैं ये सारी सब्जियों को पका लेती हूं। नहीं नहीं बेकिंग भाई, सुबह से बेकिंग सोडा कर रही है, इतना नहीं पता कि बेकिंग सोडा डलता है। मैंने देखी है वीडियो, पहले भी डाला था आपने किसकी वीडियो देख ली? गाइस सच बताऊं तो ये हम तीसरी बार मोमोज बना रहे हैं, और तीसरी बार की मुझे रेसिपी अभी तक से याद नहीं हुई है, क्योंकि हम 6-6 महीने का ब्रेक लेके मोमोज बनाते हैं। तो ये कह रही है कि बेकिंग सोडा डलता है, मेरे को नहीं लगता कि बेकिंग सोडा मोमोज पर डलता है, केक में, ढोकले में, ये सब में डलता है। इसे तो फुलाना आटे को जस्ट टाइट नीट दो बनानी होती है, टाइट बनानी है, पहले बता रही हूँ, कभी ढीली कर देना। ज्यादा पानी नहीं डालना। अरे वो हो गया थोड़ा सा, डाल दो। थोड़ा नहीं हो गया, बहुत हो गया। नहीं, 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 मैं नहीं। Looking ugly, like you. वैसी गुनते हैं सब अपने घर में। अपने घर में किसी और के घर में तो जाके अच्छे तरह से वहां क्या से गुनते हैं, मिक्सी वाले लोग नहीं, वहां अच्छे गुनते हैं। फुल स्टॉप। मैं तो आटा भी गुनती हूं, तो अब स्टार्ट। ऐसे लोग ही काम करते हैं रसोई में, ऐसे लोग काम नहीं करते, मम्मी तो नहीं करती ऐसे काम। यू आर स्वेटिंग गर्ल। मैं स्वेटी हूँ। लुक एट मी गाइस, भाई मेरे को आता है, मैं एसी में रहने वाला बंदा हूँ पूरे दिन। एसी गाइस, ये के दाने रसोई में काम करने का स्वाद। हमारा ये डो रेडी है, इसको हमें गीले कपड़े से कवर करके रखना है।
बस एक गीला कपड़ा ले रहा और इसको गीला कपड़े से मैंने कवर कर दिया अच्छे से. ओके, आर यू एक्साइटेड टू ईट सम मोमोस? रियली टेस्टी डिलीशियस. मेरे हाथ के मोमोस खाएगा ना? नहीं, कुछ भूल जाएगा. देन जस्ट गेट आउट फॉर माय किचन. तो गाइस, जब तक ये स्टफिंग ठंडी हो रही है ना, इतने हम अपने चटनी बना लेते हैं. उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 6 टमाटर, जिसमें कि 5 ही मंगाए थे मैंने, ऐसे 6 लेके आ गई है. 5 टमाटर और ये थोड़े से गार्लिक क्लोव्स. गाइस, रेसिपी चेक हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता नहीं है चटनी कैसे बनती है. ऐसा हमने कुछ नहीं करा है. छिलके समेत मैंने यहाँ टमाटर डाल लिया यार, अब मैं नहीं निकाल सकती इनको दोबारा. सो गाइस, एक गड़बड़ हो गई छोटी सी, कि इस वीडियो में बता दिया होगी छिलके उतारने से पहले टमाटर के, उसके बाद टमाटर को क्या करना, पीसना था. तो हमने पहले छिलके उतारे नहीं है, सीधे टमाटर मिक्सी में डाल दिया. मैं उसको छीलूंगी तो उसका सारा अंदर निकल जाएगा, सीड्स वगैरह, तो उसको पिसने और फायदा नहीं होगा, वो पानी में ही चला जाएगा. तो मैं ऐसा करती हूँ, उसको पहले पीस लेती हूँ, उसके बाद पका लेती हूँ. उसने पहले पका लिया, फिर पीसा, फिर पकाया. मैं पीस के पका लेती हूँ. बस पकने दो, मंदी करो फिर विनेगर भी डालना है. अभी नींबू भी डालना है. विनेगर नहीं है हमारे घर में. नींबू डाल सकते हैं विनेगर की जगह. नींबू भी नहीं है उसे. गाइस, ये सब करने के बाद मुझे कुछ ठंडा चाहिए, तो मेरी तृप्त कर दे. जब तक इसका ऑयल ऊपर आ रहा है, इसे पकने देना है कम से कम 3 से 4 से 5 मिनट तक. तो हम इसे पकने देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना असली काम, बनाना मोमोज. बनाना आपके जैसे तो आप कमेंट करके बताए क्या देखना चाहते हैं. बताओ कौन तैयार है? ओके, honest view. है ना? दिल लगता है मेरे को. ज्यादा लो ना, ये क्या ले रही हो? पीछे से खाओ. सही है चेष्टा, खाने लायक बढ़िया. पहले ये सारा ऐसे मिला लगता है. ये सामान अंदर लेके आ गए क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, बहुत ही ज्यादा. यहाँ बैठेंगे आराम से, ऐसे बनाएंगे. आप तो बाल ही बना रही थी, जाओ बाल खड़े होकर बना लो. मेरा हिस्सा दे दो, आप की तरह बना लो. मैं बाहर खड़े होके और मैं अंदर बैठ के ना बना. शट योर माउथ एंड सो गाइस, मैं मोमोज यहाँ पे बेल लूंगी. ये स्टफिंग करेगी और शेप बनाएगी, तो इसका शेप बनाना देखो आपने. ओ नहीं, पहले एक बार ट्राई करने दो, एक बार ट्राई करने दो भाई. 3 बार एक ही वीडियो देख चुके, फिर क्या रही है, फिर से देखना पड़ेगा. भैया बताओ, सब लोग ये मेरी मोमोज की वो खराब नहीं होनी चाहिए, बता रही हूं. नहीं होगी ब्रो, मैं पहले पिछले जन्म में मोमोज ही तो बनाती थी. मोमोज वाली
ऐसे जाते तब आती रहो ऐसे। अब उधर से लो एक साइड ऐसे बंदा तो पंगा ही है। इट्स डिफिकल्ट ब्रो। अभी तो तू कह रही थी मैं पिछले जन्म में लोग अपने खानदान भूल जाते हैं तो मम्मा जैसे बनाते कैसे किस साइड से बनाओ। अरे वो ऐसे गोल गोल करते हैं ना वो वाला बनाते बन गया कितना गंदा बना है कितना गंदा वो बना। इससे अच्छा मैं बना दूँ आ तो फिर बना दे इससे अच्छा ये बनानी है ये शक्ल ठीक है इसकी शक्ल देख लो इसकी शक्ल देख लो और ये ना बनाना इसी कटोरी में पानी में बना रही हो ये अच्छा नहीं बना मोमोस नहीं जल्दी जल्दी बनाओ आप लेट वर्कर स्लो वर्कर फास्ट वर्कर यू आर नॉट आई हाय इट्स अ मानव इससे सही तो मैं बना देती कल तो गाया था खड़ा मम्मी अच्छा नहीं बना तू रहने दे तू अपने गंदे हाथ अबे मेरा मोमोस देख ये देख ये देख ये तो छोड़ो इसको तो गिनती भी ये देख कितना सुंदर बनाया जिक्र है ये फूड कलर लेके ग्रीन कलर का पानी में मिक्स करके हमारा देसी स्टाइल स्टीमर एक कढ़ाई के अंदर पानी भर दिया हमने नीचे उसके ऊपर एक वो रखी है स्टैंड उसके ऊपर ये छन्नी वाली प्लेट रखी है उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि वो मुझे चिपके नहीं। अब इसे स्टीम छोड़ देंगे ताकि इसमें थोड़े से 5 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए फिर हम इसमें अपने मोमोज डालेंगे और अब आपको मैं तभी मिलूंगी जब मोमोज बन के रेडी हो जाएंगे गर्मा गर्म टेस्टिंग के टाइम पे। सो मैंने अपने मोमोज इसमें डाल दिए हैं और इसे कवर कर रही हूँ मैं कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए और ये रहे बाकी मोमोज रखे हुए पकने के लिए। सो गाइस ये रहे हमारे गरम गरम मोमोज बन के तैयार हैं शेप पे ध्यान बना देते हुए जस्ट टेस्ट पे ध्यान देना निकल जाओ फंस गए। और देखो मेरे ग्रीन कलर के मोमोज कितने सुंदर लग रहे हैं। और गाइस जो हमारे पास मैदा बचा था ना उसका हमने ये आलू की गुंजिया टाइप और मैप ऑफ है क्यूट मैप इसमें चीज भी है गाइस चीज। गाइस ये रहे हमारे मोमोस जो ये काफी टेम्पटिंग लग रहे हैं खा के बताओ कैसे बने। अब चटनी डाल अच्छे हैं सच बताना सच सच्ची बता दो रेडी वाइज चटनी एकदम बढ़िया बनी है एकदम टेस्ट वाइज भी अच्छी है सही बनी है। और पर ये है ना जो मोमोज की जो फोल्ड करते हैं काफी ज्यादा मोटी हो गई है बाकी तो सब कुछ खा सकते हैं टेस्ट वाइज भी ठीक है। अब डालो गाइस चीज फुल इसमें डाले फ्लॉप हो गया गाइस देखो चीज फुल क्योंकि ठंडा हो चुका है। सो गाइज दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट बिलो और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।